श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। और आज हमारे लाडो सीधी सादी सी सेठानी बनी बैठी है। ये देखो, बहुत सिंपल है आज वो। और यहाँ बैठे हैं हमारे प्यारे कन्हैया, और यहाँ बैठे हैं केशव, और यहाँ बैठा है हमारा प्यारा गोलू, यहाँ लल्ला, यहाँ पे लड्डू, और सारे चुटकू चुटकू। ये देखो, और मैं जल्दी से आपको एक बहुत ही प्यारी सी, ये एकदम सच्ची घटना जो है आपको बता रही हूँ। और आप कहेंगे दी लीला नहीं बता रहे हैं। देखिए, आजकल जो लीला प्रभु दिखा रहे हैं ना, वो लीलाएं बहुत ज़्यादा छोटी हुई हैं, और हम इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, हम लोग सो ही नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण जो है लीलाएं भी सिर्फ उतनी ही हो रही हैं, जैसे कि भोग से रिलेटेड, और इतना ही, मतलब ज़्यादा नहीं, क्योंकि नींद ही पूरी नहीं हो पा रही है। अब आप खुद लगाइए, आज भी हम लोग मतलब रात को लेट सो रहे हैं, सुबह में जल्दी उठ जा रहे हैं, और प्रभु का आने के समय पे उठ जाते हैं। आजकल थोड़ा काम ज़्यादा है, तो इस वजह से लीलाएं पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। तो इसलिए मैं आपको ये सत्य घटना आज की सुना रही हूँ, और आज की नहीं है ये घटना, है तो पहले की, लेकिन आपको आनंद आ जाएगा। क्योंकि कैसे भी सही, प्रभु का स्मरण होना चाहिए, उनका चिंतन होना चाहिए, उनकी सुंदर सुंदर लीलाएं होनी चाहिए। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। एक ना भिखारी था, एक सेठ के घर के बाहर खड़ा होकर भजन गा रहा था, और बदले में खाने को रोटी मांग रहा था। तभी सेठानी काफ़ी देर से उसको कह रही थी, आ रही हूँ, रुक जाओ। रोटी हाथ में थी, फिर भी वो कहे जा रही थी कि रुको, आ रही हूँ। भिखारी भजन गा रहा था और रोटी मांग रहा था, और सेठ ये सब देख रहा था, पर समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। आखिर सेठानी से बोला, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो, वो बाहर मांग रहा है, उसे कह रही हो आ रही हूँ, तो उसे रोटी क्यों नहीं दे देती जाके। तो सेठानी बोली, हाँ रोटी दूंगी, पर मुझे उसका भजन ना बहुत प्यारा लग रहा है। अगर उसको रोटी दे दूंगी तो वो आगे चला जाएगा, मुझे उसका भजन कैसे सुनने को मिलेगा। यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो समझना कि उस सेठानी की तरह प्रभु आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है। तो आप मेरी बात समझे कि ये छोटी सी लीला क्या समझाती है, कि अगर हम रोज़ प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं और हमारी प्रार्थना अभी पूर्ण नहीं हो रही है, तो ये समझ लो कि प्रभु को आपकी बातें, आपका आग्रह, आपकी प्रार्थना बहुत अच्छी लग रही है, और उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, और आप उसके लिए निरंतर प्रभु को रिझाते रहिए, उनसे प्रेम करते रहिए। तो ये छोटी सी लीला है, और ये लीला मतलब सारी चीज़ें मैंने पहले ही कहा, प्रभु का हिलना डुलना चलना कहना गाना सब कुछ लीला है ना। तो ये छोटी सी प्यारी सी आप सबके लिए ये कथा थी, और ये रियल है, और वही मैंने आपको बातों बातों में सुना दी है। वैसे तो मैंने ये दर्शनों के लिए वीडियो डाला था, और कल की भी देखो मैं आपको लीला बता देती हूँ। चलिए, कल मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, दोपहर में जब मैं सोई थी, आपको याद होगा, तो उस वक्त पे बार बार मुझे माता रानी छोटी बन के आ रही है, और बार बार कह रही है भोग की थाली लगा, और मैं उठ जा रही हूँ। उठ के मैं सोच रही हूँ आज भोग की थाली क्यों मांग रही है मैया। फिर मैं सो जाती हूँ, और सोने के बाद फिर देखती हूँ, तो पुनः बहुत लंबा मतलब स्वप्न चलता है। और स्वप्न चलते चलते भी होता क्या है कि उस स्वप्न में कहीं ना कहीं मुझे फिर ना भोजन की थाली लगाने के लिए बोला जा रहा है, और फिर बोल रहे हैं माता रानी, और वो मेरे सामने आ जा रही हैं। और यकीन मानिए, मैं 3 बार उठी, 3 बार सोई, और उसके बाद मैं उठने के बाद लास्ट में मैं उठी गई कि मेरे को सोना ही नहीं है, मैं नहीं सो पाई फिर, क्योंकि वैसे मैं मेरी नींद पूरी हो गई होगी, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। और उसके बाद मैं ये सोचती रही, मैंने लाडो की तरफ देखा और मैंने कहा कि लाडो क्या बात है, मतलब क्या चाहिए, कौन सा भोग चाहिए। तभी मुझे याद आया, वो आपको याद है मांडर वाली मैया, उन्होंने मुझे गहने लाने के लिए बोला था, मतलब ज्वेलरी, मैं उनको बोल कर आई थी, और मैं तो गई नहीं हूँ अब तक, तो मेरे पास अभी समय ही नहीं मिल पा रहा है कि मुझे जाना है ग्वालियर, लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि बिजी बहुत ज़्यादा हूँ, तो मुझे रिपोर्ट लेने जाना है, तो उनके लिए गहने भी लाने हैं। फिर मुझे याद आया, उसके बाद मुझे स्वप्न नहीं आया। तो पता नहीं जो भी कौन क्या कहता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर मनुष्य कोई भी चीज़ भूल जाता है तो भगवान उसको ज़रूर याद दिला देते हैं, और हमारे साथ तो ऐसा ही है। ऐसा ही एक और लीला मैं आपको बता रही हूँ, जो छोटी छोटी लीलाएं घटित हुई हैं।
तिरुपति बालाजी का एक जो चित्र है वो सोना ने बनाया था, मतलब छोटा सा ही। मैंने आपको बताया है कि बच्चे छोटे छोटे पेंटिंग भी करते हैं, सॉरी सोना जो है बनाती रहती हैं। तो उन्होंने एक चित्र बनाया था और उसको रख दिया था, और उसको 1-2 दिन हो गए थे। उसके बाद उसको आज जो सुबह में प्रभु ने बोला, बिहारी जी आते हैं, मतलब इसको ही मंदिर बुला लेते हैं, और ये जाती है सोना वहाँ पे, और जाके उसको एक पेपर देते हैं और शीट देते हैं और कहते हैं, और उसमें एक तिरुपति बालाजी का चित्र भी देते हैं और कहते हैं ये बनाओ, और उसको डायमंड्स देते हैं उस पे लगाने के लिए। तो सोना जो है उस पे डायमंड्स चिपका रही है, उसको बहुत देर हो गई है डायमंड्स को चिपकाते चिपकाते। अब वो ना मतलब अपने आप को बड़ा वैसा फील कर रही है, वो थक गई है, और वो कह रही है हे भगवान, ये इनकी ना तस्वीर बनाने में भी कितना मतलब मेहनत है, इससे अच्छा तो इनके वस्त्र बना के पहना दिए जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन मन ही मन वो ये भी कह रही है चलो कोई बहाना ही सही, मुझे तिरुपति जी ने दर्शन तो दे दिए। उधर ही कान्हा जी उसको बोलते हैं, मतलब दर्शन भी दे रहे हैं कान्हा जी और उसको बोल भी रहे हैं, तुमको क्या लग रहा है तिरुपति जी तुमको दर्शन दे रहे हैं? वो दर्शन नहीं दे रहे हैं, ये उनकी तस्वीर है, और तुम उस तस्वीर को सोच रही हो कि वो दर्शन दे रहे हैं। चलो ये पूरा बताओ, और वैसे भी तुम मेरी तस्वीर बनाना छोड़कर और तुम अब ये तिरुपति जी की मतलब तस्वीर बना रही हो। तो सेविका कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो ना बस बनाने की कोशिश कर रही, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा काम छोड़कर तुम कुछ और करने लग रही हो। तो यहाँ पर प्रभु की, अब आपको लग रहा होगा ये क्या लीला थी, तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर प्रभु आपको याद दिलाते हैं सारे स्वरूप उनके हैं, सब अवतार उनके हैं, हर शक्ति उनकी है, और हर शक्ति हर अंश मतलब हर श्री विग्रह में एक अंश है और अंश में एक शक्ति है। ठीक है, अब मैं ये कहूँ कि कौन शक्ति बड़ी कौन छोटी, ऐसा कोई भी मायना नहीं है, कोई नाप नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि प्रभु हर जगह विराजित है और पूर्ण रूप से विराजित है। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा थोड़ा विराजित होते हैं, वो पूर्ण रूप से विराजित है। यहाँ पर वो आनंद देते हैं भक्तों को, वो उनके मन की भावनाओं को टटोलते हैं कि इनके मन में चल क्या रहा है। कभी भाई श्रीनाथ जी को प्यार करते हैं, कभी कान्हा जी को, वो भी जानते हैं कि ये वो एक ही है, वो सब कुछ एक है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम मानव हैं, हम उनके कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम उनके हर स्वरूप को बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उन तीर्थ स्थलों पर जाना चाहते हैं। तो यहाँ प्रभु यही कह रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन जो काम तुम फोकस पे पहले कर रहे हो उस काम पर पूर्ण फोकस करो। जैसे कि सोना बिहारी जी का चित्र बनाना चाह रही थी, वो चित्र तो बनाया नहीं, अब उसकी जगह पे वो तिरुपति जी के वो डायमंड्स लगाने लगी। तो वो वही बताने लगे कि पहले जो कार्य तुम कर रहे हो, जीवन में भी जिस कार्य को आप कर रहे होते हो, तो 10 जगह पैर मत फैसा मतलब फैलाओ, आप एक काम पर पूर्ण ध्यान दो, उसको पहले पूर्ण करो। तो ये लीलाएं बहुत कुछ सिखाती हैं और ये आनंद देती हैं, इसीलिए मैंने आपको ये 2-3 लीलाएं सब एक साथ डाल दिया हूँ। तो ये छोटी छोटी लीलाएं, क्योंकि जब तक जब आप निंद्रा नहीं मतलब सोओगे नहीं तो लीलाएं कैसे होंगी, और जो सामने की साक्षात लीलाएं होती हैं वो तो होती ही रहती हैं, है ना। तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए, राधे राधे श्री हरिदास।